फाइनल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने चैनल सिटी हलचल पर और नजर डाल रहे हैं फास्ट न्यूज पर। तिरालीस के करीब पहुंचा पारा। रविवार को दिन निकलते ही शुरू हुई तपिश ने शहरवासियों को हलकान कर दिया। रविवार का दिन इस माह का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। गर्मी से पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक पिछले दिनों बारिश तो नहीं हुई, हाँ पारा जरूर बढ़ता जा रहा है। रविवार को माह का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। रविवार को जहाँ न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस था तो अधिकतम तापमान 43 पर पहुँच गया। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद शहर के लोग घरों में कैद नजर आए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि घर से निकलना किसी मुसीबत से कम नहीं था। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। मजबूरी में घर से निकले लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम जतन करते नजर आए। कोई छाता लेकर चल रहा था तो कोई ठाटा बांधकर। गर्मी से बढ़ते पारे से हर कोई परेशान है। प्रशांत के घर पर पुलिस की नजर। प्रशांत बिश्नोई की कोठी से स्थायी सुरक्षा हटाए जाने के बाद से पुलिस द्वारा लगातार कोठी पर नजर रखी जा रही है। बीती 29 अप्रैल को सिविल लाइन इलाके में राजस्व गुप्तचर निदेशालय की टीम ने रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सिंह की कोठी पर छापा मारा था, जिसके बाद देवेंद्र के बेटे और नेशनल शूटर प्रशांत बिश्नोई द्वारा कोठी के अंदर अंजाम दिए जा रहे काले कारनामे उजागर हुए थे। 16 घंटे की छापेमारी में DRI की टीम ने कर्नल की कोठी से प्रतिबंधित वन्य जीवों के खाल, खोपड़ी, 117 किलो मांस, 100 देशी विदेशी हथियार, 2 लाख कारतूस और तकरीबन 1 करोड़ की नई करेंसी बरामद की थी। हालांकि कार्रवाई के दौरान प्रशांत टीम के हाथ नहीं लगा था, जिसके बाद पुलिस ने कोठी पर सख्त पहरा बैठा दिया था। मामले की जांच DRI, यूपी पुलिस, STF, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कर रही है। इस बीच पुलिस द्वारा प्रशांत के घर पर सख्त निगरानी की जा रही है। बता दें कि छापे के बाद कोठी पर स्थायी पिकेट लगाई गई थी, जिसे कुछ दिन बाद हटा लिया गया था, जिसके बाद अब पुलिसकर्मी हर घंटे 2 घंटे बाद कोठी पर पहुंचकर सूचना ले रहे हैं और अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहे हैं। परिजनों ने किया हंगामा। सरदना के गंग नहर में किशोर के डुबाने के मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा किया और काफी देर तक नानू के पुल पर जाम भी लगाया। सरदना के गंग नहर में डुबोए गए लक्की का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। गुटखोरों ने शुक्रवार शाम को ही सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था, लेकिन शनिवार को भी परिजन अलग अलग पुल पर इस आस में बैठे रहे कि लक्की की लाश शायद पुल कर ऊपर आ जाएगी। रविवार को लक्की के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खूब हंगामा किया और कुछ देर के लिए नानू पुल पर जाम भी लगा दिया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम जल्द ही खुलवा दिया और परिजनों को आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बता दें कि शुक्रवार को लक्की ने अपने घर से 2000 रुपए चुरा लिए थे, जिसके बाद पड़ोसी 2 युवक पूछताछ के लिए उसे गंग नहर ले गए थे। युवकों ने लक्की को डराने के लिए उसे पानी में डाल दिया, हालांकि इस दौरान लक्की पानी में ही डूब गया। जिला अस्पताल ने भी की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं और दुरुस्त कर ली हैं और इसी के साथ ही SIC ने भी जिला अस्पताल का दौरा किया। 9 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आएंगे। उनका मेरठ में कई जगह कार्यक्रम है, मेडिकल में भी वो निरीक्षण करेंगे, लेकिन उनके दौरे को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं और दुरुस्त कर ली है। जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर PK बंसल ने रविवार को भी अपने स्टाफ के साथ जिला अस्पताल का दौरा किया और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी। खासतौर से इमरजेंसी, मेल सर्जिकल वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड, OPD का निरीक्षण किया गया और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई। जिला अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी कई एम्बुलेंस अलर्ट पर रखी हैं और जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। सभी स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट रहें और मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत न होने दें। विधवा पेंशन में होगी बढ़ोतरी। प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही विधवा पेंशन को 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में दिए गए वादों को पूरा करने में तेजी से जुटी है। सूबे की योगी सरकार वादे के मुताबिक अब विधवा पेंशन को 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपए करने वाली है। विभाग द्वारा इसका कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद महिला कल्याण विभाग पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी ले जाएगी, जिसके बाद सूबे में इसे लागू कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा अपने अपने जिलों को विधवा पेंशन फॉर्म भरवाने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि अब तक 17 लाख महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही थी, लेकिन योगी सरकार ने सूबे की 23,50,000 विधवाओं में पेंशन वितरण का लक्ष्य तय किया है। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे उन दो बड़े मुद्दों की
जिनको लेकर हम गुरुकुल के गुरु घंटाल को संचालित कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे पबला की घटना की कि किस तरीके से टीचर्स को बरगलाया गया, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस प्रोग्राम को लेकर हमारी आगे क्या रणनीति होगी। जी हाँ, हम बिल्कुल शिक्षक और शिक्षिकाओं के सम्मान में झुके रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं, और हमको जो भी वो फोन करते हैं हम पॉजिटिव कार्यक्रम दिखाते रहते हैं, ये आप इस बात के लिए गवाह हैं। लेकिन पबला की जो घटना है वो बताती है कि किस तरीके से शिक्षा जगत में जो राजनीति का प्रवेश हुआ है वो टीचरों को बरगला रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ की जो प्रधान अध्यापिका है वो रश्मि रस्तोगी किस तरीके से हमारे सामने वो लेटर लिख रही हैं। पूरा मामला पटाक्षेप हो गया था, हमने खबर भी फ्लैश नहीं की थी, क्योंकि शिक्षिकाओं के लिए हमारे मन में सम्मान है, आदर है, आदर का भाव है। वो लेट आ रही हैं, लेकिन लेट आने से पहले हम उनको चेतावनी देना चाहते थे, चेताना चाहते थे कि अगर कोई बड़ा मंत्री यहाँ पर आ जाता है, कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है और उसके आने के बाद आप लेट आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी है। ये एक छोटी सी हमारा प्रयास था जिसके जरिए हम बताना चाह रहे हैं शिक्षक और शिक्षिकाओं को कि अपने स्कूल में समय से पहुँचे। वहीं प्रीति, पबला में आप जानती हैं हमारे संवाददाता राहुल रहते हैं, वो रोज़ वहाँ से निकलते हैं, वहाँ रोज़ ताला लटका हुआ मिलता था। लेकिन एक बार जब ग्रामीणों ने उनसे आके कहा कि आप यहाँ की खबर दिखाइए, तो हमने इस प्रयास को आगे बढ़ाया, वहाँ के प्रधान खुद आए तो हमने ये पूरी खबर आपके सामने दिखाई। जस की तस, गेट पर बैग टंगे हुए हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और शिक्षिकाएं टेम्पू से उतर रही हैं। यहाँ तक पूरा मामला बिल्कुल सही था। फिर शिक्षिकाओं ने हमारे संवाददाता को अंदर बुलाया और इसी बीच रश्मि रस्तोगी ने कृष्ण गोपाल मलिक को और एक नेता और को फोन किया, जिनसे उन्होंने पूछा कि इस तरीके की खबर हुई है, क्या किया जाए, जो हमें अभी तक पता चल रहा है यही शिक्षक लोग हमको बता रहे हैं। तो उसके बाद वहीं पर किसी ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी ने उनसे कहा कि कैमरा छीन लो, क्योंकि मैं रश्मि रस्तोगी मैम और दूसरी शिक्षिकाओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी भी किसी तरीके के काम में नहीं इन्वॉल्व हो सकती, किसी के उकसाने पर ही इन्होंने ये काम किया है। उसके बाद हमने बहुत अपील की, बहुत फोन किया कि आप हमें कैमरा दे दीजिए, प्लीज कैमरा दे दीजिए, लेकिन वो कैमरा देने के लिए तैयार नहीं हुई। और वो शिक्षक नेता जिनके हाथ में प्लास्टर और पैर में प्लास्टर है, जो छुट्टी लेकर बीआरसी से मेडिकल पर है, मैं आपको वो खबर भी दिखाऊंगा जो करके आया हूं। और उसके बाद वो पहुंचते हैं और शिक्षिका नेताओं के कंधे पर रखकर अपनी राजनीति चमकाने लगते हैं। जी हाँ, ये पटाक्षेप हो गया था मामला। और यहाँ पर मैं पुलिस का सहयोग जरूर बताना चाहूंगा कि पुलिस ने शिक्षिकाओं के मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, और हमने भी शिक्षिकाओं के मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस खबर को कहीं नहीं दिखाया, चुपचाप रख लिया। और बावजूद इसके इन लोगों ने एक मुहिम चलाया और समझौता होने के बाद इन लोगों ने, शिक्षक नेताओं ने इस शिक्षिका को एक बार फिर इसी तरीके के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया। हमारी शिक्षक और शिक्षिकाओं से अपील है कि नेताओं की आप इस राजनीति का एक हिस्सा ना बने, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, सिर्फ आपको सही समय पर जाना है, सही समय पर काम करना है, सही समय पर स्कूल बंद करना है और बच्चों के स्तर को उठाना है, बच्चों को आमंत्रित करना है, बच्चों को लेकर आना है गाँव से। लेकिन ये राजनीति दर राजनीति होती गई, इसमें पहले जिला अध्यक्ष जुड़े, फिर अध्यक्ष जुड़े, फिर दूसरे नेता जुड़े और इन्होंने इस शिक्षिका के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, जो वाकई सोचने के लिए मजबूर करती है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए शिक्षिकाओं के सहारे ऐसे ही काम करते रहेंगे। मेरी शिक्षिकाओं से अपील है, आप सरकारी नौकर हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, कानून का आप सम्मान करिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान कीजिए और साथ ही साथ अपना कार्य इतनी अच्छी तरीके से करिए कि आप मीडिया को चैलेंज कर सके कि आइए दिखाइए, पांच पांच घंटे हमारे साथ रहिए, बैठिए, देखिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कैसे बीएलओ परिवार के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्लीज, शिक्षा की राजनीति करने वाले इन सफेद पोशों के चंगुल में ना फंसिए। प्रीति,
बिल्कुल, टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों के भविष्य की बात है, सरकार इतना कुछ आपके लिए करती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज पाते, वो बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर शिक्षक लेट आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, मेडिकल लीव पर टीचर चली गई हैं, तो थोड़ा दुख होता है, फील होता है कि जो बच्चे हमारे आगे बनने वाले CM हैं, PM हैं, IAS PCS ऑफिसर्स हैं, बट जो टीचर्स हैं वो उनको उस स्तर की शिक्षा दे ही नहीं पा रही हैं। जी हाँ, हम तो भैया नहीं दिखा सकते कि बंद ताला है और उसको छोड़ दें, फिर भी कोई हमसे शिक्षक या शिक्षिका अपील करते हैं तो अपील करने के बाद हम जरूर उस खबर को रोक लेते हैं और एक हफ्ते तक वॉच करते हैं क्या शिक्षक और शिक्षिकाएं काम कर रहे हैं नहीं। ऐसी वो जो घटना सैनी में हुई है उसमें भी शिक्षक नेताओं ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है, क्योंकि हमारा कैमरे पर सीधा हमला हो रहा है और वहाँ पर वहाँ की जो हेडमिस्ट्रेस है वो हेडमिस्ट्रेस 12 खड़ी तक नहीं बता पा रही है। हमने ये खबर भी नहीं चलाई, हमने उन्हें अल्टीमेटम दिया, हमने उनको उनसे निवेदन किया कि मैडम प्लीज़ 20 बच्चों को 42 डिग्री की टेम्परेचर में मत बिठाइए। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पे सेकंड क्लास का बच्चा ABCD नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन हमने ये खबर नहीं दिखाई, क्योंकि धीरे धीरे प्रयास किए जाते हैं, धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे उतरते हैं, धीरे धीरे शिक्षण में शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच का गैप कम होता है। जब स्टूडेंट का बच्चों का टीचर के ऊपर कॉन्फिडेंस बनने लगता है तभी वो सीख पाता है। हम आपको यहाँ पर एक वीडियो भी ऐसी दिखाएंगे, एक ऐसा स्कूल दिखाएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि एक टीचर फुटबॉल सिखा रहा है, एक टीचर PT सिखा रही है और वहाँ का हेडमास्टर उनको 1.5-1.5 घंटे खाली बताता है और उनके खिलाफ आख्या लिखता है और उस आख्या में ये पूरा शिक्षक ग्रुप खड़ा हो जाता है, दबाव बनाता है और दबाव बनाने के बाद इस बात पर प्रेशर डालता है कि समझौता किया जाए, सभी को हस्तिनापुर भिजवाया जाए, क्योंकि वहीं के एक जूनियर स्कूल में इन्हीं शिक्षक नेताओं में से एक की कैंडिडेट प्रशासनिक ट्रांसफर के तहत वहां पर आती है और रुकती है। जूनियर स्कूल में वो टीचर है और कोशिश करती है प्राइमरी स्कूल में। वहां के जो हेडमास्टर हैं, जो वहां पर हेडमास्टर हैं, वो भी हमसे शिकायत कर चुके थे उस टीचर के बारे में, लेकिन हम शिक्षा की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते थे, हमने बार बार मौके दिए, लेकिन अब आपके सामने सारी चीजें हैं। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं प्रीति, हमसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक स्कूल के बारे में जाइए, आप डिग्री कॉलेज के बारे में जाइए, आप ITI के बारे में जाइए, आप प्रोफेशनल कॉलेजेस के बारे में जाइए और हमको बुलाइए, हम बताएंगे कि किस तरीके से ये सारा काम हो रहा है। वहीं पर बेसिक शिक्षा विभाग में और यहाँ पर जो हमारा GIC में विभाग चल रहा है उनके बारे में भी वहाँ के ईमानदार बाबू हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमको कह रहे हैं हम सबूत के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा के लिए जो लोग काम करने जा रहे हैं उन लोगों को ये टारगेट करते हैं। तो हमारा आपको वादा है कि गुरुकुल के धमाल भी लेकर आएंगे, गुरुकुल का घंटाल भी साथ चलता रहेगा और हम उन शिक्षिकाओं को, उन शिक्षकों को भी आपके सामने लेकर आएंगे जो दीपक की भांति जलकर अपना पुनीत कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इंग्लिश मीडियम भी स्कूल में आपको दिखाएंगे जहाँ के लोग एक बार राजनीति का केंद्र बन चुके हैं और उस राजनीति का केंद्र भी तभी बने थे जब ये पूरा का पूरा राजनीतिक ग्रुप वहाँ पहुंचकर क्रिएट कर रहा था। अब हम आपको बता दें आगे की रणनीति यह है कि इन्हीं शिक्षक नेताओं के ग्रुप में से जो इनका अध्यक्ष है वो एक बहुत बड़े स्कूल में जाने का प्लान बना रहा है, जाने के प्लान के तहत ये सारी राजनीति हो रही है। इस राजनीति को हम नहीं चलने देंगे, राजनीति का पर्दाफाश करेंगे, बच्चों को आपके सामने लेकर आएंगे, उन शिक्षकों को सामने लेकर आएंगे जो पुनीत कार्य कर रहे हैं। फिलहाल सिटी हलचल का गुरु घंटाल ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इसी हफ्ते हम आपके सामने गुरु धमाल भी लेकर आएंगे, सिटी हलचल के गुरुकुल के गुरु धमाल भी लेकर आएंगे जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से उस मुकाम तक पहुंचते हैं, किस तरीके से शिक्षा को उच्चतर मापदंड पर स्थापित करते हैं, किस तरीके से बच्चे उनके पैर छूते हैं और किस तरीके से वो अपनी सैलरी में से पैसा निकालकर इन स्कूलों को डोनेट करते हैं। ये सब कुछ चलता रहेगा प्रीति। बिल्कुल जी हाँ, शो मस्ट गो ऑन। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, जितने लोगों ने हमारे साथ समर्थन दिया है उन सब लोगों का धन्यवाद और ये हमारा आपसे वादा है कि आपकी अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेंगे और हम खबरों में कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में इतनी सारी कमियां हैं लेकिन किसी ने इन्हें प्रमुखता के साथ नहीं उठाया, हमने उठाया क्योंकि शिक्षा के लिए हमारे मन में दर्द है, शिक्षकों के लिए हमारे मन में सम्मान है और हम खुद इस व्यवस्था का एक बड़ा सकारात्मक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ,
वो उस दिन की अपेक्षा करिए जिस दिन, पूरे हफ्ते चले गुरुकुल के धमाल। जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।